हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एनवीएस का एग्जाम जो आपका हुआ है 16 से आपका 20 सितंबर तक, तो उसकी अंडर की आ गई है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है। आपको गूगल पर जाना है एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। तो आप जैसे ही एनवीएस फिल करेंगे और आप सर्च करेंगे तो आपके पास लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो जो भी आपकी ये आंसर की रहेगी वो है आपकी डेट चेक करने की 24 से लेकर 28 सितंबर तक। आप एनवीएस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये एनवीएस की वेबसाइट https://navodaya.govt.in, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वो पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको क्या करना है, कब की आपकी डेट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपका गलत है या ठीक है, आपका जो गलत कर दिया गया है, तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो एनवीएस ने जो टाइम दिया है वो टाइम है आपका 24 सितंबर से 28 सितंबर तक, यानी 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक का आपका ये टाइम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है नेट, तो चेक कर लेते हैं। ये एनवीएस की वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पर वेबसाइट पर ओपन करते ही आपका एक लिंक खुला, आप इसको बता सकते हैं स्क्रीन को। और उसके बाद आपने देखना है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर दिखाई दे रही इंपॉर्टेंट न्यूज, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की है वो, उसके अलावा भी जो नोटिफिकेशन दिखाई देगी। और आपको लिंक पर क्लिक करना है, जो आपका लिंक जिसमें कि आपने अंकी देखनी है। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो ऊपर रहती है, तो उसके बाद भी काफी जो है क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये आप देखेंगे लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन, आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, आप यहाँ आप सकते हैं कि लिंक फॉर सबमिशन फॉर ऑब्जेक्शन फॉर क्वेश्चन आंसर एंड प्रोविजनल आंसर की फॉर सीबीटी हेल्ड फ्रॉम 16 to 20 सितंबर 2019 अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019। तो यहाँ पर ये लिंक आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लिंक पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप ऑब्जेक्शन भी सबमिट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन और आंसर का, और प्रोविजनल आंसर की आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन वाला पेज ओपन करेंगे, वो वहां पर क्लिक करके एक अलग से लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर आपको क्या करना है, उस पर आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना फिल करना है, उसके बाद आंसर शीट देख पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके की आपका लिंक मिलेगा। यहाँ आपको डालनी है अपनी यूजर आईडी और यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको चेंज करना, लिंक यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप। और यहाँ पर लॉगिन करना होगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी गई हैं, वो देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट ऑब्जेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर और आंसर की थ्रू दिस लिंक ओनली। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, जिन भी उम्मीदवार ने, तो उनको अगर ऑब्जेक्शन सबमिट करना है तो वो इसी लिंक से एडमिट जो है सबमिट कर सकते हैं। सेम लिंक है जहां पर आप अपनी आंसर की भी देखेंगे और अपनी चैलेंज भी कर सकते हैं। आंसर की थ्रू दिस लिंक ओनली, ऑब्जेक्शन थ्रू एनी अदर मोड मीन्स चैनल शैल नॉट बी एंटरटेन बाय एनवीएस। अगर इस लिंक के अलावा आप किसी भी तरीके से ऑफलाइन जाके, इन पर्सन जाके या डाक द्वारा भेज के किसी भी माध्यम से अगर आप चैलेंज करते हैं तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। चैलेंज करने से पहले आप देख लीजिए कि आपके पास उसका कोई सॉलिड प्रूफ है, एनसीईआरटी की बुक या कोई भी अच्छे राइटर की बुक, तो आप उससे अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। और ये भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बच्चे अनुपस्थित थे उनकी जो है जवाब आपत्तियां नहीं देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं दिया तो उनके आंसर की यहाँ पर नहीं दिखेगी। सेकेंड इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स कैन सबमिट ऑब्जेक्शन टिल फोर्थ डे, यानी कि टोटल चार दिन है आपके पास लिंक स्टार्ट होने से। 24, 25, 26, 27, 28 तक आपका है ये। तो लिंक फॉर सबमिशन ऑब्जेक्शन का सेल नोट भी अवेलेबल देयर आफ्टर। तो चार दिन के बाद यहाँ पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कोई लिंक उपलब्ध नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, फटाफट से जाकर अपने आईडी और पासवर्ड डालकर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। आंसर की देखने के बाद आपको जो भी लगता है कि आपका आंसर ठीक था लेकिन गलत कर दिया गया है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन सेम लिंक से दे सकते हैं। तो अपनी कंट्रोल ऑन प्लस बटन इन द टैब ऑब्जेक्शंस टू रेज योर ऑब्जेक्शन, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वहां पर ऑब्जेक्शंस का एक टैब होगा, उस बटन पर आपको क्लिक करना है और उसके थ्रू आप ऑब्जेक्शंस भी कर पाएंगे। तो आप चेक करते हैं अपने रिजल्ट्स,
आपने यहाँ पर आंसर की और वो आप देखिए और आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कैसा हुआ था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपको डाउट आए प्रॉब्लम में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे एडमिट कार्ड आता है, लिंक आता है, किसी भी सिलेबस है, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है या किसी भी तरीके की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले चेक कर पाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।